सबसे पहले प्रधानमंत्री ने ऐलान करना चाहिए कि मैं रैली नहीं करूंगा किसी प्रदेश में कहीं भी, तो होटल को बंद कर दो। कि ये लाख आदमियों की रैली करना चाहता है, रैली कर रहा है, और 400 आदमियों में क्या हो जाएगा, 400 जो आदमी मेहमान जाएंगे तो समझदार जाएंगे। यानी कि अपनी राजनीति बचाने के लिए, कोरोना नहीं है, जो उद्योगपति आदमी है, व्यापारी आदमी है, उनके लिए है। अब बाजार देखिए खाली पड़ा बिल्कुल, कोई मोटरसाइकिल अंदर घुस नहीं सकती। अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं, आप 500 का करें, आप जबरदस्ती बेसिक से 1000 रुपये लगाएं, सख्ती करें। 11:30 बजे 12 बजे बैंकट हॉल को बंद करें, अगर उसके बाद बैंकट हॉल होटल वाला बंद नहीं करता, सख्त कार्रवाई करें, सील कर दें। 9 बजे के कर्फ्यू का मतलब क्या है, हर इंसान सोता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज़। दोस्तों, जिस तरीके से कोरोना की लहर एक बार फिर से शुरू हो गई है, उसको लेकर जो है अब जो हरियाणा सरकार के जो आदेश हैं, जिसके अंदर पहले जो है नाइट कर्फ्यू जो है लगाया गया, जिसमें रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया, और उसके बाद इसे कल जो है बढ़ाकर जो है 1 घंटा जो है और दिया गया, यानी कि रात के 10 बजे से जो है नाइट कर्फ्यू सुबह 5 बजे तक दिया गया। और उसी को लेकर जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग जो है, जो होटल चलाने वाले जो लोग हैं, उनके कहीं ना कहीं नाराज़गी इसमें जो है जाहिर हो रही है, क्योंकि उनका कहना है कि शादी ब्याह पहले से जिन लोगों की यहाँ पर जिनकी तैयारियाँ थी, उनको लेकर जो है कहीं ना कहीं वो कैंसिल होती जो है नज़र आ रही हैं। और इसी को लेकर हमारे साथ कांग्रेस नेता जयपाल मान जी हमारे साथ में हैं, तो उनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं गलत है, जिसके लिए कुछ और समय जो है यानी नाइट कर्फ्यू का समय और बढ़ाना चाहिए। तो ऐसे में हमारे साथ जयपाल मान जी, उनसे बात करते हैं, क्या उनका कहना है इस बारे में। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या बोलना चाहते हैं इस बारे में जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया? जो हमारी जो शादियां बुक हुई हैं, जो हमारे उद्योग हैं, जैसे बड़ा होटल है, नूर महल है, ज्वेलर्स है, 24 है, और जितना प्रेम प्लाजा है, जो भी हैं, सबका कई 1000 करोड़ का नुकसान होगा। और इससे जनता में रोष इस बात का है, जो आदमी अपने काम पर 9 बजे दुकान पर अपने काम पर घर जाएगा, वो घर या तो दुकान छोड़े, 7 बजे दुकान बंद करें, उस शादी को अटेंड करें। जिस आदमी ने शादी के लिए रोहतक जाना है या सोनीपत जाना, बाहर जाना, वो एक दिन पहले जाएगा, तो इससे 1000 करोड़ का नुकसान तो होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जो है, जो क्राइम जो है लॉकडाउन में पिछली बार घटा था, और अब हरियाणा में मनोहर लाल सरकार में क्राइम का रेशो जो है बहुत बढ़ गया है, डकैतियां, अत्याचार, बलात्कार, उसको एक बार इससे छुपाने के लिए कि 9 बजे का कर्फ्यू लगा दे। बदमाश लोग है जो है, पुलिस सड़कों पर रहेगी, लोगों में दहशत आएगी, और जो बदमाश लोग हो वो डरकर 9 बजे के बाद सड़कों पर नहीं जाएंगे, क्राइम में कमी आएगी और सरकार का सुधार होगा। मगर सरकार का सुधार नहीं होगा इससे, जो हमारी जनता है, एक एक होटल के साथ सबसे छोटा आदमी वहाँ फूल वाला होता है, बैंड बाजे वाला होता है, घोड़ी वाला होता है, हलवाई होता है, वो तो भूखा मर जाएगा, प्लान कर जाएगा। और जो अगर प्लान अब की बार कर गया तो देश में रहेगा कुछ नहीं, देश मर जाएगा। और पिछली बार तो सामाजिक लोगों ने जो दान मदद करी, अब की बार प्रधानमंत्री की बात को भी लोग मानेंगे, क्योंकि क्यों नहीं मानेंगे प्रधानमंत्री की बात को। पिछली बार प्रधानमंत्री ने कहा भी आप वो करें, तालियां बजाएं, चम्मच बजाएं, सभी लोगों ने बजाए, चाहे उसमें बीजेपी का व्यक्ति था, कांग्रेस का था, लेफ्ट का था, सब का था, और दीवा लगाया सब ने, बिल्कुल ये दिखाया कि हम प्रधानमंत्री के साथ हैं। मगर आज लोगों में, जो जनता में एक रोष है इस बात का कि आप राजनीति के लिए पश्चिम बंगाल में एक ममता दीदी के खिलाफ अमित शाह होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री लाखों की भीड़ करता है, वहाँ कोरोना का कोई डर नहीं, हरियाणा से लाखों लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाते हैं, फिर सपोर्ट करके आते हैं, उन लोगों को इजाज़त आ जाने की, आने की। यानी कि अपनी राजनीति बचाने के लिए, कोरोना नहीं है, जो उद्योगपति आदमी है, व्यापारी आदमी है, उनके लिए है। अब बाजार देखिए खाली पड़ा बिल्कुल, कोई मोटरसाइकिल अंदर घुस नहीं सकती जी। पार्किंग के लिए लोग जाना पसंद नहीं करते जी। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री इस देश को कमज़ोर करना चाहता है, और ये कोरोना तो एक बहाना है। अगर आप सख्त काम करें, अगर आप मास्क नहीं लगाते, आप 500 का करें, आप जबरदस्ती बेसिक से 1000 रुपये लगाएं, सख्ती करें। और जो कोरोना का ये जो शादी का जो मेन मकसद है, वो कम से कम 11:30 बजे हो, 11:30 बजे 12 बजे बैंकट हॉल को बंद करें। अगर उसके बाद बैंकट हॉल होटल वाला बंद नहीं करता, सख्त कार्रवाई करें, सील कर दें। क्योंकि शादियां कहीं ना कहीं जो है रात के 11-12 बजे तक कम से कम 12 बजे तक रहती है, तो 9 वाली तो शादी हो नहीं सकती। यानी कि सीधा 9 बजे का 10 बजे का मतलब है कि उद्योग को डैमेज करना, यानी कि होटलों को डैमेज करना। अगर इतना बड़ा उद्योग है, आप देखिए साधारण शहर है ये कोई गिड़गांव नहीं है, ज्वेल्स वाले ने, मनवीर ने
इतनी बड़ी यहाँ एनडीआरएफ का नाम मशहूर है, कनकी नगरी है, उसने अपने आदमी ने कर्नल ओक है जो एलएस खोला, इतना बड़ा उद्योग, करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ का बिजनेस हमारे लिए लगा दिया, देश के लिए, हरियाणा के लिए हमारा नाम है। लोग कहते हैं कहाँ भाई शादी करना, दिल्ली के लोग नूर महल में, पूरा देश का आदमी करनाल में शादी करने के लिए आता है। तो एक हमारा एक पर्सन चिन्ह है ये, उस पर आप चोट मत करें। हम मुख्यमंत्री जी से अपील करेंगे कि ये उद्योग अगर रोष हो गया, मैं तो जेजेपी के लोकदल और बीजेपी के जो साथी हैं उनके भी कुछ होटल हैं साथियों के, उनसे कहूँगा कि मुख्यमंत्री से आप रिक्वेस्ट करें इसको 12 बजे करें। और जिस आदमी ने सलाह दी है, पहले 9 की दी, यानी कि सलाह तो हुई है ना प्रशासन की, अब 10 की आएगी, 10 से क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता। सर जैसे आपने बात रखी, लेकिन इसमें दूसरी चीज़ ये भी है कि जिस तरीके से कोरोना की जो लहर है शुरू हुई है और मामले बढ़ते जा रहे हैं, बस जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर एक दिन में 250 लोग जो है वो कोरोना से मारे गए, जिस तरह ऐसी रिपोर्ट है, और उसमें लगभग 6 लाख लोग जो हैं वो मुंबई में ही क्वारंटाइन हुए हैं, तो इसको लेकर भी शायद ये आदेश आए हैं, तो क्या कहेंगे इन आदेशों का, क्या उससे कोई तालमेल बैठ रहा है, या आप क्या आपका क्या कहना है? हम ये कहते हैं जब किसान आंदोलन है, लाखों लोग बैठा वहाँ, कोरोना के लिए कोई नहीं सोचता, या तो उनकी मांग को मानो, बेचारे वो उनकी मांग को क्यों नहीं मानते। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने ऐलान करना चाहिए कि मैं रैली नहीं करूँगा किसी प्रदेश में कहीं भी, तो होटल को बंद कर दो। जब आदमी लाख रुपए की, लाख आदमियों की रैली करना चाहता है, रैली कर रहा है, और 400 आदमियों में क्या हो जाएगा, 400 जो आदमी मेहमान जाएंगे तो समझदार जाएंगे, पढ़े लिखे लोग जाएंगे, ये तो एक बिजनेस को डैमेज करना, ये पॉलिसी नहीं समझ में आती प्रधानमंत्री किस पॉलिसी पे देश को ले जा रहा है। तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, क्या रात में, तो अभी फिलहाल आपने होटलों की बात की है, लेकिन आपको क्या लगता है कि नाइट कर्फ्यू लगाने से क्या कोई कोरोना को जिस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, क्या उसे हो जाएगा? रात को कोरोना 9 बजे बाद तो सब लोग सोते हैं, ये तो बड़ा हंसी की बात है, मजाक की बात है। 9 बजे के कर्फ्यू का मतलब क्या है, हर इंसान सोता है, मजदूर 8 से 5 ड्यूटी करता है, अपने घर सोता है, सिर्फ शादी वाले तो हैं, शादी वाले लोग तो तंदुरुस्त होते हैं, शादी में तो खाना खाने के लिए जाता है, वो तो बीमार हो ही नहीं सकता, दूल्हा दुल्हन तंदुरुस्त होती है, तो ये तो उनकी खुशी पे डंडा पेल दिया। आपको क्या लगता है रात के समय में कर्फ्यू लगाने का कारण क्या हो सकता है, जैसे आप कह रहे हैं कि रात का कर्फ्यू का कारण सरकार का जो ग्राफ है बदमाशी का वो बढ़ गया, उसको कंट्रोल करने के लिए जो बदमाश रात को डकैती करते हैं, पेट्रोल पंप लूटते हैं, उसको परसर चिन्ह लगाने के लिए सिर्फ, ताकि बदमाश ना रहे, पुलिस की ड्यूटी हो जाए, हमें मिल जाए, क्योंकि अब एसपी साहब के पास पूरा देश है कि वो किसी भी कितनी भी पुलिस लगा सकता है, अगर कर्फ्यू नहीं होगा तो वो नाके पे आदमी लगाएगा, अब उसको पूरी इजाजत है एसपी साहब को, डीजीपी को, कि आप जितनी मर्जी पुलिस लगाओ और वो अपने क्राइम को कम दिखाएंगे, और क्राइम कम होगा, मगर क्राइम से ज्यादा भूखा मरना आदमी कोरोना से मरना पसंद कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक सवाल और भी है, अगर क्राइम करने का तरीका जो है यही है, तो इसको कितनी देर तक वो लागू रख सकते हैं? कुछ भी नहीं, ये तो एक तरीका बनाया उन्होंने, क्योंकि क्राइम तो ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। कर्फ्यू तो सिर्फ चेक किया कि अभी लोग बदमाश रात को निकलेगा नहीं, रात की शादी का 9 बजे के बाद कौन आदमी शादी में जाएगा, कौन शादी होगी 9 बजे वाली, सिर्फ इसका एक ही तरीका है, लोगों को डैमेज करना, लोगों को परेशान करना, और इसका यही है कि 12 बजे 11:30 कर दे, चलो गवर्नमेंट अपनी बात कटती है। बता रहे हैं शादियां तो कैंसिल भी जो है अब की जा रही है, कैंसिल पहले बहुत शादी हुई, शादी हजारों कई हजार, बता रहे हैं कि अब जब से आदेश लागू हुए तब से जो शादियां वो कैंसिल हो जाएंगी, ऐसे कुछ बताया? इससे पहले भी हजारों शादी कैंसिल हुई है, बड़ा भारी नुकसान हुआ है, और करनाल में तो ऐसे केस है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पता भी है, 15 से 20 तो पीछा लोगों ने आत्महत्या करी है, ऐसी ऐसे बच्चों ने आत्महत्या करी है जिनका बिजनेस ताज हुआ था। आप उत्तराखंड में तो बीजेपी सरकार है, अब जाइए उत्तराखंड में, मंसूरी जाइए, दनोटी जाइए, टोटली होटलों के अंदर दीवार खींच दी है, वहाँ कोई जा ही नहीं रहा, अरब तो जाएगा नहीं, यानी कि देश को पीछे ले जाने का तरीका ही है। होटल इंडस्ट्री तो काफी सारी ऐसी जो लीज पे भी चल रही है, वो जीरो होगी, अब जाए ना उत्तराखंड में, होटल किरायों पे दिए हुए जीरो है, उसके आगे दीवार है, जो लोग नहीं गए हैं उत्तराखंड जाके देखें, उसके आगे टोटली दीवारें हैं, और यही दीवारें चाहे उड़ा प्रेम प्लाजा हो, नूर महल हो, ज्वेलर्स हो, इनके आगे भी दीवार खींचने का काम किया गवर्नमेंट ने, ये दीवार है, सिर्फ इसको मालक दीवार खींच लो या गवर्नमेंट दीवार खींच दो, तो टूरिज्म पे बहुत बड़ा असर होगा इसका, तो टूरिज्म पर तो होगा, आम आदमी पे होगा, आम आदमी मर जाएगा बेचारा, प्लान कर जाएगा, जो आदमी बैंड बजाता है वहाँ हजारों लोग, कई जैसे जगह है जैसे मनाली है और शिमला है, ऐसी कई जगह जहाँ टूरिज्म का बहुत ज्यादा काम है, होटल्स हैं, पार्टीज होती हैं, तो उनका वो तो खत्म, वो तो पहले ही खत्म है, और इससे और भयभीत हो जाएगा,
जो हमें तो अपना करनाल का हरियाणा में हम रहते हैं, मतलब हमारी तो अपील है करनाल के व्यापारी से, हर आदमी से, हर व्यक्ति से, इस खबर को शेयर भी करें और इसको उठाएं। ये व्यक्तिगत पार्टी से लेकर ना देखी जाए खबर, ये तो सिर्फ एक हमारा सामाजिक काम ताना बाना भी है। हम लोग मिल नहीं पाएंगे, शादी आगे चली जाती है, बच्चों की खुशी की बात होती है, एक माँ बाप पूरी खुशी से बात करता है, हजारों 10 साल 15 साल तक उसको पैसे जोड़ता है, थोड़ा 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 बच्चों की खुशियां होती हैं। ये तो एक हमारी खुशी पर डक्का है, कोरोना पर नहीं है, कोरोना तक नाम है। आप टीका क्यों नहीं कराते? मुख्यमंत्री अपील करें ना, अपील मुख्यमंत्री कहता मन की बात, मुख्यमंत्री कहता कि मेरा पूरा देश मानता है। अगर तेरा पूरा देश मानता है तो आप सख्ताई से मास्क ऑर्डर दे, हर आदमी मास्क पहने, हर आदमी टाइम पे जाए, हर आदमी अपना टाइम पे रहे, शादी में वो लोग जाए ना जाए, क्योंकि लोगों ने प्रधानमंत्री से विश्वास टूटा कोरोना के ही राज में। और ये एक बात नहीं चल पाएगी किसी व्यक्तिगत, किसी धर्म या समाज या किसी देश को, देश के सामने खड़ा करके। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती भी मनाई गई, वहां पर भी किसी ने मास्क नहीं डाला हुआ था, तो यही एक कारण है। ये तो हम पूछ रहे हैं भाई, जब मास्क वाले पे सख्ताई नहीं है तो फिर शादी पे क्यों सकता ही है? क्योंकि शादी देश से पैसा आएगा, देश तरक्की करेगा। ये सरकार, बीजेपी, प्रधानमंत्री नहीं चाहता देश आगे जाए, इसके दिमाग में नहीं है ये बात। इसके दिमाग में एक है कि इस देश में एक देश से एक देश की बात कर लोगों को गुमराह किया जाए, क्योंकि ये कोरोना की बात हम पूरी बात इसको कह नहीं सकते, क्योंकि ये बात सबकी साझी बात है। आज तो हम ये कहेंगे के उद्योग को, होटलों को, अगर आप यहाँ बंद होगा कल ना वहाँ बंद होंगे, लोग प्लान कर जाएंगे, शादी नहीं होगी, गरीब आदमी मारा जाएगा, सबसे बड़ी बात यह है। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि जो महज जो ये नियम बनाए गए महज लूटने के लिए और दिखावे के लिए किए, इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। होटल वाले रुकेंगे नहीं, शादी करेंगे मजबूर, लोग जाएंगे, भ्रष्टाचार बढ़ेगा इससे। क्योंकि राजनीतिक जो प्रोग्राम होते हैं उनमें तो कोई मास्क डालता, कोई मास्क नहीं डालता, क्यों नहीं पाबंदी लगाते? लगानी चाहिए ना पाबंदी, नेताओं पर कोई पाबंदी नहीं, पार्कियों पर कोई पाबंदी नहीं, उद्योगपतियों पर पाबंदी। और मैं एक और अपील करना चाहता हूँ, ये तो होटल की बारी है, चेक किया है, अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे व्यापारी, और जो फैक्ट्रियाँ हैं उन पर भी लगेगा काम, वहाँ भी फिक्स होगा काम, अगर उन पर भी फिक्स होया तो मजदूर प्लान कर जाएगा दोबारा। और शायद सुनने में आया कि कर भी रहे हैं कहीं ना कहीं, बिहार जो है काफ़ी सारे लोग वापस गए थे जब इन्होंने सुना था कि होटल इंडस्ट्री के ऊपर इस तरीके से, क्योंकि बिहार से आते हैं काफ़ी सारे कारीगर आते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें अब दोबारा फिर सोचने जाने की। अगर आप ऐसे ऐसे गाइडलाइन देंगे, ऐसे ऐसे कानून बनाएंगे, गरीब आदमी डरता है, और अब की बार मदद नहीं कर पाएगा कोई आदमी, क्योंकि हर आदमी डर चुका है, हर आदमी ने अपनी पड़ गई अब की बार। सबसे बात यह है प्रधानमंत्री अपील करें ना, रैलियां मत करें, वो अपील करें, टीका लगवाएं सब। फिलहाल आपकी यही मांग है कि मतलब जो रात के 12 बजे तक जो है, हाँ ये 12 बजे तक होना चाहिए, अगर गवर्नमेंट अपनी जिद पे अड़ती है तो 11:30 तो करें, ताकि लोग कोई बरात, कोई मेहमान अगर करनाल आया गड़गांव वापस अपने घर तो चले जाए, वो कहाँ रुकेगा? होटल में आप रुक नहीं सकते, रस्ते में आपका लठ लगेंगे, तो शादी तो हो नहीं सकती ना, या तो बरात पिटेगी। ये तो फिर दूल्हा दुल्हन की बात करें, पार्क में जाएं, बंद करें, समस्या। तो यहाँ पर जो है हमने बात की जो जयपाल मान जी से, और उन्होंने बताया कि जिस तरीके से ये नियम लागू किया गया है, ये नियम को जो बच्चों की बताया जा रहा था कि जो होटल रेस्टोरेंट हैं उनके बिजनेस पर असर पड़ रहा था, रात की जो है कम से कम 10 बजे तक उन्हें अनुमति होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर दूसरी ओर जो जयपाल मान जी से बात हुई उनका कहना है कि जो शादियाँ हैं, बड़े बड़े पैलेस हैं, जिन लोगों की शादियाँ पहले से यहाँ पर बुक थी, उन लोगों की शादियाँ जो है इस तरीके से अगर कैंसिल हो जाएंगी, लोग नहीं आ पाएंगे, तो ऐसे में पहले भी इस तरीके से कई मामले हुए और होटल इंडस्ट्री को बड़ा झटका फिर से लगने वाला है। तो ऐसे में लोगों से कहेंगे इस खबर को शेयर करें, और उनका ये कहना है कि इस समय को रात के 10 बजे से बढ़ाकर लगभग 11:30 तक का समय होना चाहिए, ताकि जो है होटल इंडस्ट्री यानी कि जो पहले से शादियों वाले उन सबको जो है इसका नुकसान ना उठाना पड़े। तो फिलहाल जो है आपको ये जानकारी देना चाह रहे थे, और फिर से जुड़ेंगे आपसे एबिन 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद।